नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है वेजिटेबल पुलाव, यानी मिश्रित सब्जियों का पुलाव। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। बासमती चावल 1.5 कप, फूलगोभी कटी हुई 1/4 कप, फ्रेंच बीन्स कटी हुई 1/4 कप, गाजर कटी हुई 1/4 कप, शिमला मिर्च कटी हुई 1/4 कप। इसके अलावा भी अगर आप कोई सब्जी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आलू कटे हुए 1/2 कप, इनको पानी में डाल के रखिए ताकि ये काले ना हो जाएं। मटर के दाने 1/2 कप, टमाटर कटा हुआ 1/2 कप, प्याज लंबाई में कटा हुआ बारीक लच्छों में 1 कप, जिंजर यानी अदरक कसी हुई 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, लहसुन बारीक कटा हुआ 1 छोटा चम्मच। इसे अपने स्वाद के अनुसार आप बदल भी सकते हैं। जीरा 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च के दाने 7-8, तेज पत्ता 1, लौंग 4, हरी इलायची 4, बड़ी इलायची या काली इलायची 1, जावित्री के 2 टुकड़े और दालचीनी का 1 टुकड़ा 1 इंच का, देसी घी 2 बड़े चम्मच, चाहे तो तेल ले लीजिए पर स्वाद देसी घी में ज़्यादा आता है, नमक 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार। अब पानी या वेजिटेबल स्टॉक या फटे हुए दूध को फाड़ने के बाद जो दूध पानी बचता है वो 3 कप चाहिए होगा। 1/2 नींबू चाहिए, धनिया बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच। अब इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले चावल को अच्छे से 2-3 बार पानी में धो लीजिए तब तक कि इसमें से झाग निकलना बंद ना हो जाए, और फिर उसको अच्छी मात्रा में भिगो दीजिए पानी में। फिर एक पैन लीजिए, उसमें घी डालिए और घी को गर्म करिए। थोड़ा मोटे तले का पैन लीजिएगा, और फिर जब थोड़ा घी गर्म हो जाए तो इसमें सारे साबुत मसाले यानी कि जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री सब डालिए और इसको अच्छे से भून लीजिए। दालचीनी भी डाल दीजिए और फिर इसको अच्छे से भून लीजिए। तब तक भूनिए इसे जब तक कि घी में इस सब की खुशबू एक तरीके से नापेबस्त हो जाए, तब तक इसको भूनते रहना है हमें। और जब ये सारे खड़े मसाले भून जाएँ तब इसमें हम प्याज डाल देंगे, जो लंबाई में हमने काटा था वो प्याज डाल देंगे और इस प्याज को भूनेंगे, अच्छे से चला के इसको भूनेंगे। इसे गुलाबी होने तक हमें भूनते रहना है, बीच बीच में चलाते रहिए, धीमी आंच कर दीजिए तो आपको जलने का डर नहीं रहेगा, और फिर चलाते रहिए इसको। चलाते रहने से सब तरफ से एक सार से भून जाता है। अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमारे पास बारीक कटी हुई थी और कद्दूकस करी हुई थी उसको डाल दीजिए और फिर इसको भी भून लीजिए। इसे हम करीब 10-12 सेकंड तक भूनेंगे, जब तक कि इन सब चीज़ों का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए, जब तक इनका खुशबू जो है इसमें पेवस्त ना हो जाए। जब ये सब भुन जाएगा तब हम इसमें सब सब्जियों को हमें धो लेना है, जो भी सब्जियां हमने डालनी हैं उन सबको अच्छे से धो लेना है। और उसके बाद पहले हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के उसको, टमाटर को 2-3 मिनट तक थोड़ा सा आँच तेज़ हल्की सी करके, पूरी तेज़ नहीं मगर मध्यम आँच में करके इसको पका लेंगे, ताकि टमाटर हल्का थोड़ा गल जाए। पूरी तरीके से गलाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ हल्का सा उसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए। फिर उसके बाद सारी सब्जियाँ यानी कि पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर, ये सब इसमें हम डाल देंगे और फिर इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे, सब मिल जाएं आपस में, सब घी में लिपट जाएं ये सारा
सब गरम मसाले में और घी में ये सारी सब्जियां लिपट जाएं। 2-3 मिनट तक इसको हमें पकाना है, बीच बीच में चलाते भी रहिए। इसके बाद इसमें हम चावल को पानी से निकालने के बाद इसमें डाल देंगे। चावल को पानी जो इसमें भिगोया था वो पानी हटा देंगे और उस चावल को फिर इसमें हम डाल देंगे और धीरे से चावल में ये सब्जियां और मसाले सब मिलाएंगे। थोड़ा हल्के हाथ से करना है क्योंकि अदरवाइज़ ये चावल सब टूट जाएगा तो फिर उसका खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। स्वाद में तो खैर कमी नहीं आएगी लेकिन लंबा लंबा चावल बासमती हमने लिया है तो वो देखने में तभी सुंदर लगता है। तो इसको थोड़ा भूनना है, थोड़ा देर रखिए फिर भून लीजिए, ऐसे करके 3-4 मिनट तक इसको पका लीजिए। उसके बाद आप पानी या वेजिटेबल स्टॉक या आपका पनीर का जो फटा हुआ दूध का पानी है वो डाल दीजिए इसमें। 3 कप डालना है, मेरे पास फटा हुआ दूध का पानी था तो मैंने वो डाला है। सादा पानी के बजाय अगर हम वेजिटेबल स्टॉक या ये डालें तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। फिर अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें नींबू निचोड़ लीजिए, आधा नींबू, और नमक डाल दीजिए 1 चम्मच या अपने स्वादानुसार, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम नमक डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको मिला लेंगे कि नींबू का रस और नमक इस सब में मिल जाए, और फिर इसको ढक देंगे और आँच को धीमा कर देंगे कि चावल पक जाए, चावल के पकने तक। बीच में आप इसमें इसको चला के देख लीजिए कि कहीं पानी कम तो नहीं हो रहा है। तो चलाने के लिए कलछी का या कोई बड़े चम्मच का इस्तेमाल ना करके फोक का इस्तेमाल करिए ताकि चावल टूटे ना। तो फोक से चला के देख लीजिए कि अगर पानी कम है तो और डाल लीजिए, और जब आपको लगे कि चावल के दाने पक गए हैं तब इसमें इसको एक बार चला के पूरा देख लीजिए, सारी सब्जियाँ ऊपर नीचे कर लीजिए और फिर इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप 5 मिनट के लिए इसको चला के छोड़ देंगे आप इसको सर्व कर दीजिए। सर्विंग बाउल में निकालिए, हरी धनिया पत्ती से सजा दीजिए, हरी धनिया से, और फिर इसका आनंद आप लीजिए सलाद के साथ, कटे हुए लच्छे प्याज के, रायता, चटनी, पापड़। बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव होता है, बहुत ही हेल्दी भी है, बहुत पौष्टिक है, सब सब्जियों का मेल है। जो भी सब्जियां आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।